हेलो दोस्तों, वेलकम टू सारंग जेडीसी। तो फ्रेंड, मुंद्रा सोलर प्लांट में जो एक बंदे ने कमेंट किया था कि जंगल में रूम है, उसके बाद वहाँ पे रहने की सुविधा सही नहीं है, सैलरी काटी जाती है, उसके बाद यहाँ पे 13 दिन की सैलरी कंपनी नहीं पे करती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि उस बंदे ने साफ साफ सारी चीज़ें लिखी है, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूँगा। कल मैंने उसके लिए एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन मैंने 4-5 कैंडिडेट से वेरीफाई किया कि ये जो चीज़ इसने लिखी है उसमें से कितना सही है और कितना गलत है, वो उसी चीज़ से हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इसने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन किए थे, बहुत सारे मैसेज किए थे, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि वहाँ पे वहाँ पे मोबाइल कंपनी में लिया लेने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, मतलब कि मोबाइल लेके मैं कंपनी में नहीं जा सकता क्योंकि उनकी करती हुई मेरे सामने आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो सैलरी के रिलेटेड इसने क्वेश्चन किया था, उसके बाद एक रहने के रिलेटेड, उसके बाद एक खाने के रिलेटेड उसने एक क्वेश्चन किया था अदानी सोलर प्लांट के बारे में। उसके बाद मैंने वेरीफाई किया, जहाँ पे मेरी वेबसाइट के थ्रू वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन हुआ है, तो उनके लिए तो मैं इस वीडियो में आपके साथ पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि वहाँ पे एक्चुअली में क्या है और रियलिटी क्या है। तो फ्रेंड, वहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पे आपको रहने की सुविधा, एक तो आप मतलब कि एमपी से, यूपी से, बिहार से, अदानी सोलर जैसी कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसने कमेंट किया, वहाँ पे जंगल में रूम है, तो वहाँ पे एक तो कच्छ में कहीं पे जंगल नहीं है, एक चीज़ है जो बंदे से गलत चीज़ मेंशन किया है मैसेज में, कमेंट में वो चीज़ कीजिए। मैंने कंपनी से पैसे नहीं लिए हैं, मैंने कंपनी से बात की नहीं है, मैंने कंपनी से एम्प्लॉय से बात किया है जो हमारी वेबसाइट के थ्रू वहाँ पे जॉब करते हैं। अभी आपके घर पे जो आपका घर पे जो फैसिलिटी मिल रही है, वो आपको कंपनी में कहीं पे भी आप जॉब करने के लिए चले जाएंगे, आपको कहीं पे भी वो फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा आपके लाइफ के साथ, क्योंकि आप वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हो, घर पे आप सो रहे हो, वहाँ पे आप काम करने के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जंगल तो एक है नहीं, उसके बाद ये कमेंट मैं उसको डिसअलाउ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे खाने की बात करते हैं, तो खाने का वहाँ पे क्या है, मतलब कि खाने का डिश मिलता है, लेकिन वहाँ पे 4 से 5 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं कंपनी में, तो वहाँ पे क्या कंडीशन है कि आपको 40 रुपये पे करना है, उसके बाद आपको खाने का कंपनी में मिलने वाला है। और मंथ एंड में आप जितने दिन खाना खाया है उसके आपके अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस के हिसाब से आपको 20-20 रुपये आपके अकाउंट में आपकी जो सैलरी होती है उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो वहाँ पे एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो मैंने दूसरे बंदे से बात किया था उससे मेरे को ये जानने को मिला, वो भी उसका प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में मोबाइल अलाउ नहीं किया जाता, तो वो हर कंपनी में है, टाटा मोटर्स में चले जाइए, मैक्सिस में, नेस्ले में, हर कंपनी में मतलब यही रूल चलता है कि आप कंपनी में मोबाइल लेके नहीं जा सकते, क्योंकि कंपनी के पॉलिसीज के हिसाब से आप किसी भी कंपनी में मोबाइल लेके नहीं जा सकते एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। आप कंपनी पे रूल पे या तो इंजीनियर लेवल की जॉब, मतलब कि आप कंडीशन पे है कंपनी में, तो आपको मोबाइल अलाउ किया जाएगा, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो आपको किसी भी कंपनी में मोबाइल अलाउ नहीं किया जाएगा, तो ये बात भी एक गलत है। तो मैं कंपनी से सारी चीज़ें गलत दिखा रहा हूँ ऐसा नहीं है। उसके बाद जो सैलरी की बात है, तो कंपनी का मैंने एक डॉक्यूमेंट मंगवाया था, वहाँ पे उस लोगों ने लिखा है कि अगर आप जॉब छोड़ के जाते हो तो आपको सैलरी नहीं देते, तो आपको जॉब छोड़ने के बाद वहाँ पे एक प्रोसीजर है कि आपको एक गेट पास दिया जाता है, वो आपको वहाँ पे सबमिट करना है गेट पास, उसके बाद आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आप काम कर रहे हो उनको एक लेटर देना है कि सर मेरे को एक्स वाई जेड प्रॉब्लम की वजह से मेरे को कंपनी में रिजाइन देना है, उसके बाद रिजाइन लेटर एक्सेप्ट होगा, उसके बाद आपका 1 मंथ का वहाँ पे नोटिस पीरियड है, वो नोटिस पीरियड आपको कंप्लीट करना है, तो आपके जितने भी जो कि आपने जब ज्वाइनिंग के लिए 100 रुपया चार्ज दिया था गेट पास का, वो भी आपके सैलरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। आप जितने दिन जॉब कर रहे हैं वो सारा पेमेंट मिला के आपका जब रिजाइन होगा तब आपको सारा सैलरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप बिना रिजाइन दिए जॉब छोड़ के जाते हो तो आपको 100 रुपये वो जाने वाले हैं। उसके बाद कंपनी में मतलब कि आपने जितने दिन काम किया उसका सैलरी आपको मिलेगा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको एक जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम कर रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना है, वो लोग आपको सपोर्ट नहीं किए तो सीधा मेरे को कॉल कीजिए, मैं आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से या तो जो ठेकेदार जो भी है कंपनी का आचार्य उससे बात करके आपका जो भी सैलरी है उसका इश्यू सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे उसने जो कमेंट किया था कि मतलब कि खाना बकवास मिलता है, उसके बाद वो भी बात मैंने कर लिया, लेकिन एक बार फिर से भी मैं एक्सप्लेन कर लूँगा, वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय काम करते हैं कंपनी में, तो 10,000 सबको अच्छा लगे ऐसा खाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मतलब कि अच्छा ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा मिलता, खाना अच्छा ही मिलता है, बेटर मिलता है, लेकिन हर
बंदे को मतलब कि कोई मीठा खाना पसंद करता है, कोई तीखा खाना पसंद करता है, तो हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग खाना कंपनी नहीं प्रोवाइड करेगी, वो हर कंपनी का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड आप अदानी जैसे कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो 100% जा सकते हो। यहाँ पे सैलरी का भी यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं, मतलब कि आईटीआई की सैलरी बढ़ा गई दी गई है, डिप्लोमा लो बी बेटक सबकी मतलब कि सैलरी अभी बढ़ गई है, जबकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे 2 महीने हुए सैलरी इंक्रीमेंट हो गया है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सारे लोगों को प्रॉब्लम होता था 2000 रुपया का जो इंसेंटिव मिलता है, आप 26 डेज कंटिन्यू वर्किंग करेंगे तब जाके पैसा आपको मिलने वाला है। उसके बाद फूड के बारे में मैंने अभी आपके से बात कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक मतलब कि मैंने बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस वीडियो को गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था, इसलिए मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। और हो सके तो फ्रेंड नेगेटिव कमेंट जब भी आप करें तो प्रूफ के साथ करें, तो भी मैं अभी ये वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने अपलोड करने के बाद मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। यही रीज़न था कि मैं मुझे मतलब कि पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी। मैंने जब कंपनी में 2-3 बंदे से बात किया तो उन सबको कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी जिनकी जॉब की मतलब कि जो बेरोजगार है, जिनकी जॉब की ज़रूरत है, तो वो लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी के साथ सारी चीज़ें कंपनी आप एम्प्लॉय को मतलब कि ध्यान में रखते हुए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो आपको एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 18 लीव मिल रही है, मतलब कि आप देखेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लीव नहीं मिलती है, आपका सीधा सैलरी कट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 850 रुपये में रहने के लिए रूम मुंद्रा जैसी सिटी में कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट मतलब कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई भी ऐसे वैसे कमेंट कर सके। अगर आपको प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा कॉल पे, लेकिन वो चीज़ प्रूफ के साथ होनी चाहिए आपके पास, तभी जाके मैं वीडियो अपलोड करूंगा दोबारा, नहीं तो मैं वीडियो नहीं अपलोड करूंगा। क्योंकि कंपनी में जो बंदे काम करते हैं दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं सॉल्व करेंगे। और अगर दूसरे फ्रेंडों को जॉब करना है तो दिए गए नंबर से आपको कांटेक्ट करना है, और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट तो हो गया है, रहने की भी फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपको 850 रुपये में रहने को मिल रहा है। उसके बाद आपको 18,000 मतलब कि कितना सैलरी आईटीआई करने के बाद जाते हो तो यहाँ पे 14,000 के करीब सैलरी हो गया है अभी तो, और डिप्लोमा करने के जाते हो तो 16,000 से 17,000 तक सैलरी हो गया है। तो आप एक बार इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और वहाँ पर पर डे 500 से 1,000 लोगों का ज्वाइनिंग होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, और रिजाइन मतलब कि भी इतने देते हैं लोग, तो वो चीज़ कंपनी की है, तो कंपनी की पॉलिसी के अंदर आएगा क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। तो आप मतलब कि ये बंदे से मैंने बात किया था, जो ये बंदा जो कमेंट कर रहा था, तो उसके बाद मैंने उसको अच्छे से पूछा कॉन्फ्रेंस में, कंपनी के दूसरे भी फ्रेंड है उनको लिया, उन सबसे बात किया कि कंपनी में एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है वो मुझे फिर बताइए, जैसे कि मैं अच्छे से बता पाऊँ दूसरे लोगों को। तो उन लोगों ने बताया कि भाई खाने का प्रॉब्लम तो थोड़ा मोटा कंपनी में हो जाता है छोटा मोटा, बट कंपनी हर एम्प्लॉय को ध्यान में रखते हुए तो मतलब कि खाना नहीं बना सकती, उसके लिए मतलब कि बात किया है, तो थोड़ा अपडेट आएगा उसके बाद ही बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में नई जॉब वैकेंसी के साथ।